कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। आज 3 जनवरी से देश के भावी भविष्य बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते दतिया जिले में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। इसी के चलते वॉइस ऑफ एमपी के संवाददाता लोकेश मिश्रा दतिया जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सूर्य नगरी बालाजी धाम स्थित बालक एवं बालिका हाई स्कूल पहुंचे, जहां वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों, विद्यालय प्राचार्य एवं स्वास्थ्य कर्मियों की चर्चा की एवं वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह संबंधित जानकारी ली। स्पष्ट करते हुए प्रकाश डालना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन सराहना अभिभावकों द्वारा भी की जा रही है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन ही एक सुरक्षा का हथियार माना जा रहा है। ये सरकार द्वारा बच्चों के लिए निर्णायक कदम है कोविड के थ्रू, और इसके लिए बच्चों को मतलब तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत है। बच्चे भी उत्साहित होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। बहुत अच्छा रहा कि हम लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक है। आपका क्या कहना रहेगा? हमारा नाम खुशबू शाह है, और यहाँ पर वैक्सीन लगना ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। हम लोग को वैक्सीन लगी, हम लोग को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हम लोगों को प्रॉब्लम फैल ली थी, इससे क्या हमारे एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छे से हो जाएंगे। उनको भी हम यही बोलेंगे, आप लोग भी वैक्सीन लगाओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों में खूब उत्साह है, और अभी हमारे यहाँ लगभग 65 के लगभग वैक्सीनेशन चल रहा है, और 200 तक नंबर हम दे चुके हैं, और बाकी को भी हमने वेटिंग में रखा हुआ है। और जहाँ तक है हमारी कुल छात्र संख्या लगभग 423 को वैक्सीनेशन लगना है इस विद्यालय में। चाचा नेहरू के भी बच्चों को यहीं पर वैक्सीनेशन लग रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि 5 तारीख में हम निश्चित रूप से पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।